हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको लेकर आए हैं एक मंदिर में जिसका नाम है हिडिंबा बाटो थानसाली। यह मंदिर काफ़ी सुंदर है। आप सबको आज का वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। अंदर से काफ़ी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है। चलो अभी हम आप सबको अंदर लेके चलते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं आप सबको सब दिखाते हैं। यहाँ पे चप्पल उतार के अंदर जाना पड़ता है। अंदर काफ़ी सुंदर है, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। चलो अंदर आप सबको लेकर चलते हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो हम आप सबको दिखाएंगे क्या क्या है। इधर से हम एक इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से बस मंदिर का एक बार मार सकते हैं। ये है हमारे मंदिर, तो अंदर से काफ़ी सुंदर है, लेकिन हम अभी अंदर जा नहीं पाएंगे और अंदर कुछ काम चल रहा है, तो हम बाहर बाहर से ही दिखा देंगे। यहाँ अंकल जो है मंदिर को साफ सफाई कर रहे हैं। मंदिर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है, एक भी पत्ता या कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर समय यहाँ पर सफाई चलती रहती है। तो हम अभी बस मंदिर को दिखाएंगे। ये है तालाब, इसमें कछुए मछली सब कुछ है, बट अभी दिख नहीं रहा है। पानी थोड़ा सा सूख गया, पहले से पहले बहुत सारे पानी थे। इधर से भी मंदिर के व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। पूरी हरियाली के बीच एक इतना सुंदर से मंदिर है, जो काफ़ी सुंदर है। हम अभी पूरे मंदिर को दिखाएंगे, तो आप सब देखते रहिए। कैसे लगता है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए मंदिर पास से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, और आके भी बहुत अच्छा लगता है। मन को भी बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप सब भी ज़रूर आएगा, और जो जो लोग नहीं आए हैं वैसे भी यहाँ पे बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, और नेपाल से भूटान से काफ़ी लोग आ चुके हैं। और वहाँ पे देखिए दो खरगोश कितने प्यारे प्यारे हैं, दोनों खेल रहे हैं, घास खा रहे हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट सा है दोनों, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मेरा तो ऐसे खाए ले जाने का मन करे, काफ़ी ब्यूटीफुल सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं हूँ, कैसे अजीब तरीके से चल रही हूँ पता नहीं ऐसा क्यों। और ये है इस तरफ से मंदिर, ये राइट साइड से काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स है और बहुत सारे पौधे हैं और चिड़िया है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये जो मूर्तियाँ हैं ये पूजा कैसे करते दिखाते हैं, मतलब भगवान की पूजा नहीं, जो लोग मरे हुए लोग होते हैं इसे पिंक कैसे देते। और यहाँ से मैं कुछ फ्लावर्स ले रही हूँ, मतलब पौधे अपने घर में लगाने के लिए। फिलहाल तो यह मंदिर काफ़ी सुंदर है, पर इसका अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। पूरे काम ख़त्म होने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे यहाँ पे। और बहुत सारी सी चीज़ें लगाएंगे, जैसे मूर्तियाँ बनाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, और बहुत अभी काम बाकी है। पूरे काम ख़त्म होने के बाद तो और भी सुंदर लगने लगेंगे। तो जो लोग अभी तक इस मंदिर में नहीं आए हैं वो लोग ज़रूर आएगा, बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी काफ़ी सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।